अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ गुजरात के गांव खटाला में और यहाँ पर हमने एक गुमनाम स्टेशन ढूंढा है। तो उसकी बाकियात हैं यहाँ पर, नाम तो उसका पता नहीं है। तो आपको कुछ आसार उसके बचे हैं वो दिखाते हैं। इस वक्त मैं प्लेटफार्म पर खड़ा हूँ उसके, और इधर काफ़ी झाड़ियाँ उग चुकी हैं और इधर एक डेड एंड भी बना है, वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये एंट्री थी इसकी स्टेशन की, और ये खटाला गांव जो है ये मौजूद है चनाब ब्रिज और गुजरात स्टेशन के दरमियान, और ये इसकी एंट्री होती थी और ये गेट के अभी भी आसार मौजूद है। और इसके साथ साथ आपको कुछ और भी निशानियां दिखाते हैं। ये सारा प्लेटफॉर्म है और एक ये डेड एंड भी बना हुआ है, और काफ़ी कोई अहम स्टेशन लग रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म भी मौजूद है और डेड एंड बना हुआ है। ये डेड एंड है इसका, और काफ़ी पुराना ये अबैंडन हुआ हुआ है स्टेशन। और ये जनाब प्लेटफॉर्म है इसका, और प्लेटफॉर्म के आसार मौजूद हैं। यहाँ पर लूप लाइन होती थी और आगे एक लूप लाइन मौजूद भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये मेन लाइन 1 है, 1326 किलोमीटर मार्कर है ये ML1 का। दोस्तों यहाँ पर झाड़ियों की वजह से थोड़ा आगे जा नहीं सकते, तो ये एक छोटी सी मस्जिद भी है जो कि अबैंडन्ड हो चुकी है, काफ़ी पुरानी लग रही है। और यहाँ पर कुछ ट्रेन एक्शन भी आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह साथ साथ आपको उसकी लूप लाइन भी दिखाएंगे। अभी 13 अप अवाम एक्सप्रेस आने वाली है, वो वज़ीराबाद में खड़ी है 102 डाउन के वेट में, तो उसका एक्शन आपको दिखाते हैं। और जैन भी अपनी पोजीशन संभालने लगा क्योंकि 13 अप अवाम एक्सप्रेस आ रही है। जैन भाई क्या स्पीड होगी? ऑलमोस्ट 95 से बाद भी होनी चाहिए। वैसे मैं तो कहता हूँ, अक्सर मैंने देखा है 105-106 इधर लाजमी होती है। अब देखें अगर 13 अप कितनी स्पीड में जाती है। तो सामने लाइट्स विजिबल हो चुकी हैं GU20 की, और चनाब का पुल अलेक्जेंड्रा ब्रिज क्रॉस कर रही है अभी इस वक्त, तो इसका एक स्पीडी सा और अच्छा एक्शन आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस वक्त सुबह के 10:45 हो चुके हैं और 13 अप अवाम एक्सप्रेस गुजरात में अपनी अप्रोच बना रही है, काफ़ी स्पीड में लग रही है गाड़ी। GU20 4560। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी स्पीड में पास थ्रू हुआ है 13 अप अवाम एक्सप्रेस का GU20 4560 के साथ। दोस्तों ये लूप लाइन मौजूद है, इसकी सबसे बड़ी निशानी है स्टेशन की, साथ साथ प्लेटफॉर्म है और काफ़ी आगे तक जाती है खटाला फाटक तक, और खटाला फाटक के फौरन बाद चनाब का पुल आ जाता है अलेक्जेंड्रा ब्रिज, और ये गेट सिग्नल लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर अप साइड की लूप लाइन भी मौजूद थी लेकिन अब इसके आसार बाकी नहीं हैं, और कुछ थोड़े बहुत आसार हैं तो वो प्लेटफॉर्म वगैरह के हैं, जैसे ये कंक्रीट का ये प्लेटफॉर्म का एक बाकियात पड़ी हुई है यहाँ पर, और झाड़ियाँ उग गई हैं काफ़ी, नहीं तो काफ़ी आसार जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक काफ़ी पुराना दरख्त भी मौजूद है, और शायद ये उसी वक्त का लगा हुआ है जब यहाँ पर एक गुमनाम सा रेलवे स्टेशन हुआ करता था, और काफ़ी बड़ा दरख्त है जी। अच्छा दोस्तों, एक बुज़ुर्ग यहाँ से गुजर रहे थे तो उनसे हमने पूछा है, वो गुज़िश्ता 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और खटाला गांव है और खटाला गांव के नाम से ये रेलवे स्टेशन हुआ करता था, खटाला रेलवे स्टेशन। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं यहाँ पर क्वार्टर हुआ करते थे इनके बकौल, और काफ़ी आलीशान बिल्डिंग होती थी स्टेशन की।
दोस्तों अबैंडनड रेलवे स्टेशन कठाला के आपको अपसाइड पे लेके आए हैं, और यहाँ पर कांटा होता था, ये मेन लाइन के साथ जो जुड़ता था, ये उसकी लूप लाइन है जो कि अपसाइड की लूप लाइन है, और ये यहाँ से टच करती थी मेन लाइन को। ये देख रहे हैं आप मेन लाइन की तरफ जा रही, और ये डाउन साइड की लूप लाइन है जो कि आगे जाके ये मेन लाइन को टच करती थी, और आगे ये कर्व शुरू हो जाता है। ये डाउन लूप की बाकियात यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस अचानक ही नमूदार हो गई थी, और इंजन की चुगिंग की आवाज़ से हम दोबारा भाग कर ज़रा उठ के आए हैं। PH 28317 लीड पे था इसकी। दोस्तों अभी आपने एक अचानक थ्रू पास 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का देखा, और तकरीबन 1:05 पर दिन के टाइम पास हुई है, तो एक और एक्शन रेडी है। तकरीबन और 5 मिनट तक 39 अब जाफर एक्सप्रेस आ जाएगी, हरिपुर बांध स्टेशन अप्रोच करने वाली है। अभी अभी 47 गुजरी है, हो सकता है वो हरिपुर बांध पे खड़ी हो, तो लाइन क्लियर मिलने पर वो निकल आएगी, तो इसका अब एक्शन आपको हम दिखाएंगे। अपने एक अचानक थ्रू पास देखा 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का, और मेरे भाई जैन की वीडियो नहीं बन सकी इसने कैमरा ऑन किया और फ्रंट कैमरा खुल गया। तो 39 अब जाफर एक्सप्रेस 6423 लीड कर रहा है इसको ZC20। दोस्तों अभी आपने 39 अब जाफर एक्सप्रेस का एक्शन देखा है अबैंडन खटाला रेलवे स्टेशन पर, और तकरीबन 1:15 बज चुके हैं दिन के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।